हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ दो संख्या दिया है तो हम मान लेते हैं दो संख्या ए और बी। ये है दो संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है यानी ए इंटू बी इक्वल टू हमको दे दिया है 9375। और हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो गुणनफल क्या होगा। तो यानी ए यहाँ पर दे दिया है तो भागफल 15 था, यानी ए बटा बी इक्वल टू 15 दे दिया है। तो अभी इसको निकालते हैं, यानी ए इक्वल टू हमको निकालना है। तो इसको ए इक्वल टू होगा 15 गुना इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा ए इक्वल टू 15 बी, इतना हो जाएगा। अब हमसे हमको दे दिया है ए इक्वल टू इतना आ गया और ये यहाँ दे दिया, यानी कि हम इसको में पुट करेंगे ए इक्वल टू इतना बी हम इसमें पुट करेंगे, यानी ए इक्वल टू दे दिया है तो 15 बी प्लस बी एस बी इक्वल टू 9375। 15 बी प्लस बी सॉरी 15 बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इनटू है सॉरी यहाँ पे इनटू है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9375 आएगा। तो अब इसको देखते हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 है तो 15 तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 9375 बाय 15, तो ये कट जाएगा हमको 6625 में, यानी कि बी बराबर रूट 625। तो बी बराबर हमको इतना मिलेगा। तो इसके लिए फिर से देखते हैं यहाँ पे, यानी कि हमको b इक्वल टू 25 आया। निकालना क्या था, योग a प्लस बी। तो a हमको पास कितना है 15 बी प्लस बी इक्वल टू 15 बी यहाँ है और एक b ये 6 b हो गया 16 बी 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 कितना निकला है 25। तो 25 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 400, यही आंसर होगा योग। क्वेश्चन में देख लीजिए, हमसे पूछा था संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ये रहा ए प्लस बी इक्वल टू इतना। तो यही आंसर होगा आज के लिए इतना।